हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो गाइस, काफी ज्यादा आप लोगों का सवाल आता था, सर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगा, हमारा यूपीआईटी अनुदेशक का एग्जाम कब होगा। तो फाइनली यूपी ट्रिपल एससी ने 2022 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनकी टेंटेटिव एग्जाम डेट को ऑफिशियली पब्लिश कर दिया है। तो इससे क्या होगा, एक्चुअल में आप लोगों के पास में जब एग्जाम डेट होती है तो आप लोगों को एक टारगेट मालूम होता है, सर हम लोगों का इतने मंथ बाद एग्जाम है। तो आप अपनी एक स्टडी की पूरी प्लानिंग कर सकते हो कि एक्चुअल में हम लोगों को किस प्रकार अपने सिलेबस को तैयार करना है, कितना समय हमारे पास है, किस समय को कहां पर देना है, कौन सी वीकनेसेस के ऊपर काम करना है। तो पूरे टारगेट आप लोगों के सामने है। यहां पर एग्जाम डेट ऑफिशियली आ चुके हैं, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ एग्जाम डेट है, साथ ही साथ आप लोगों की प्लानिंग एक्चुअल में क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 21 अप्रैल 2022 को ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आप लोग देखोगे यहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर यहां पे टोटल दिखाया गया है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे दो एग्जाम के ऊपर जो कि हमारे टेक्निकल से रिलेटेड है। सबसे पहला एग्जाम है 06 परीक्षा 2019, जिसमें सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, जिसकी एग्जाम डेट उन्होंने रखी है 3 जुलाई 2022। गाइस, यदि आप लोग देखोगे आप लोगों का अप्रैल चल रहा है, आप लोगों के पास में जो टाइम है वो मई का टाइम है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर ओनली हमारे पास में लगभग 30 दिन का टाइम है यदि हम लोग असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की बात करें। इसके अलावा गाइस, यदि हम लोग बात करें अनुदेशक मुख्य परीक्षा, ये हमारा जो है यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो आप लोगों की आई है उसकी जो उन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट को डिक्लेयर किया है, यहां पर बोल रहे हैं कि हम लोग 17 जुलाई 2022 को आप लोगों का पेपर हो जाएगा। तो आप लोगों के पास में दोनों परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के टेक्निकल में। यदि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन को, तो भैया ये एग्जाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आईटी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज यदि आप लोग यहां पे थोड़ा सा फोकस डालोगे, बिकॉज रीजन क्या है, आप लोगों की वैकेंसी 2019 की है, यहां पर काफी स्टूडेंट्स का फोकस हट चुका है, लेकिन यहां पर देखोगे नंबर ऑफ पोस्ट जो है वह काफी अच्छी है। तो यहां पर थोड़ा सा फोकस करो, अभी हम लोगों के पास में टाइम काफी कम है। मैंने इसके बारे में टोटल आप लोगों को सिलेबस वगैरह सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से चैनल पर क्लियर करी है कि आप लोगों का एक्चुअल में सिलेबस क्या है, क्या प्लानिंग होना चाहिए, कैसे आप लोगों को परीक्षा की तैयारी करना है, कैसे आप लोग बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हो, तो सारी चीजें आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी। और इससे रिलेटेड मैंने काफी सारी क्लासेस भी आप लोगों की कंडक्ट कराई है, जब आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया था या इससे पहले आयोग ने टेंटेटिव एग्जाम डेट को डिक्लेयर किया था, वहां पर मैंने आप लोगों की क्लासेस को कंडक्ट कराया था। और डेफिनेटली अभी हम लोगों की जो क्लासेस चलती थी नाइट 9 PM वाली, डेफिनेटली वो स्टार्ट होने वाली है काफी टाइम से, लगभग हमारा 1 मंथ है। आप लोग देख पा रहे हो मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाया हूं, या फिर एक्टिव हूं तो जो भी अपडेट चैनल पर आई है आप लोगों की जो रेगुलर क्लासेस, जिसकी वजह से आप मुझे जानते हो, मुझसे स्टडी करते हो, वो क्लासेस डेफिनेटली अभी दोबारा से आएंगी, तो उस बात से बेफिक्र रहो। साथ ही साथ आप लोगों की अनुदेशक की परीक्षा भी यहाँ पे 17 जुलाई को होने वाला है। इसके सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर किया है कि क्या कुछ आप लोगों का सिलेबस है, तो थोड़ा सा फोकस करना भी है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों के पास में पूरा का पूरा मैप दिया है आयोग ने, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। ऐसा नहीं है कि आप फिटर वाले हैं तो फिटर का पढ़ रहे हैं, टर्नर में अप्लाई किया है तो टर्नर का पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं होना है। चाहे आप लोग असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन को देखो या फिर अनुदेशक मुख्य परीक्षा को देखो, आप लोगों का यहाँ पर भी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एक ही एग्जाम होने वाला है सारे स्टूडेंट्स को, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो आप लोगों को सिलेबस में चीजें मिल जाएंगी। ये पर्टिकुलरली सिलेबस का वीडियो नहीं है, इसलिए मैं यहां पे कोई भी चीज डिस्कस नहीं करूंगा। बस यहां पे मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आप लोगों के सामने एक पर्टिकुलर टारगेट आ चुके हैं, तो अभी आप लोगों की मेहनत जितनी चल रही है ना उससे डेफिनेटली डबल हो जाना चाहिए। और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का आप लोगों का पर्टिकुलर कोर्सेस अवेलेबल है स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, तो वहां से जाके आप उसको भी परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आप डेफिनेटली इनके लिए तैयार हो, जो आप लोगों का भी यह इम्तिहान होने वाला है, परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके लिए काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, अब वो घड़ी आ गई है कि हम लोगों को लग रहा है कि भैया आयोग अब तो डेफिनेटली परीक्षा ले ही लेगा।
तो इस बार जो है पोस्टपोन नहीं होगा, तो ऐसा मत आशा रखना कि सर इस बार भी पोस्टपोन्ड हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं करके चलना है। हम लोगों को जो डेट दी गई है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डेट से पहले हम लोगों का जो सिलेबस है वो एटलीस्ट कवर होना चाहिए, जिससे कि हम अदर स्टूडेंट से लड़ाई लड़ सकें और हम लोग अपनी एक सीट को रिजर्व कर सकें। क्लियर है ना? सो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।